पांचवी और दसवीं के छात्र की पिटाई का आरोप है। बच्चों के हाथ पैर में भी चोट है, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पांचवीं और दसवीं के छात्र बताए जा रहे हैं जिनकी पिटाई की गई है। बच्चों के हाथ पैर में चोट है, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हांसी में दो स्कूली छात्रों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई। केशव धमीजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। केशव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? जी, जानकारी की बात करूं तो दो अलग अलग जो है ये मामले हैं। एक तो जो दिल्ली रोड स्थित एक एमएम इंटरनेशनल स्कूल है, वहां बच्चे को टेस्ट में जो प्रिंसिपल है तो टेस्ट में फेल होने की वजह से जो अब टेस्ट में फेल होने की वजह से उसको पिटाई दंड से पिटाई की गई है। दूसरे मामले की बात करूं तो दूसरा जो मामला एक कुंदनापुर रोड जो स्थित एक निजी स्कूल है जिसके बाद गुरु तेग बहादुर नाम से स्कूल है, वहां पर भी एक अध्यापक ने एक बच्चे को जो पांचवी कक्षा पढ़ता था उसको सिर्फ एक नोटबुक ना लाने आर्ट की नोटबुक ना लाने की वजह से डंडों से पीट दिया, जिसकी वजह से उसके पूरे हाथ पर गहरी चोटें लगी है और हाथी में उसको सिविल अस्पताल में लाया गया। और परिजनों का आरोप है कि जो टीचर है इस तरह से बेरहमी से पीटना बहुत ही गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन से एक मांग भी करी है कि ऐसे स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए केशव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो अलग अलग मामले हैं। बच्चों के साथ मारपीट की गई है, पिटाई की गई है बच्चों की, और बेरहमी से बच्चों को पीटने का आरोप है स्कूल टीचर्स पर। दो अलग अलग स्कूलों का यह मामला है, एक पांचवी का छात्र और एक दसवीं का, जिनकी पिटाई की गई है। हाथ पैर में चोट है बच्चों के और उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है।